पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन जो है वो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। आप इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए दो तरह से एक्सेलरेशन होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एक एवरेज मतलब मान लिया कि आपके पास, हम पहले एवरेज की ही बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हम सिचुएशन को, जैसे कि मान लिया कि कोई टाइम t इज इक्वल टू जीरो हुआ मतलब मोशन स्टार्ट हो, तब आपकी वेलोसिटी जो है वो v1, थोड़े टाइम बाद वो वेलोसिटी जो है वो v2 होगी, कोई टाइम आपका हो गया यहाँ पे t1। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा v2 - v1 चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम t-. तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो मैं एक सिचुएशन से आपको बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस हम किसी मोशन के बारे में बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। मान लिए कि यहां पे टाइम है और यहां पे जो है वो एक्सेलरेशन है और ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब कि यहां पे 1 सेकंड हुआ है, यहां पे 2 सेकंड हुए हैं, यहां पे 3 सेकंड हुए हैं, यहां पे 4 सेकंड, और यहां बात करें तो 2 हुए, यहां पे 4। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इस एक्सेलरेशन को ऐसे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में टाइम करोगे तो भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू। ये हम यूनिट का डायमेंशन आपको निकलवा चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या जब टाइम हुआ था 2 सेकंड तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितना था 4 सेकंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखोगे आप, तो एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, आपने इसके बारे में सीख लिया। हम एक क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे, हमें क्वेश्चन वो आप अपनी पेयर कॉपी में लिखोगे एज ए नोट्स। हम ये उसके अंदर इंस्टेंटेनियस और एवरेज सारी चीजें आपको निकाल देंगे। क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको करवाए तो अच्छे से बता दें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4t³ + 2t² देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 to 2 सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकंड। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं। आपके पास x दिया हुआ है, क्या है
फोर पी क्यू प्लस टू पी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिला। हमारे पास जो टाइम है वो टाइम कितना है, जीरो टू। अगर मैं जीरो के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालू, डिस्प्लेसमेंट है जीरो से, तो क्या हो जाएगा, टाइम की जगह जीरो का तो फोर जीरो का क्यूब प्लस में टू जीरो का स्क्वायर, तो कितना आ गया जीरो। अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट है टू सेकेंड निकालू, ये सिंबल दे रहा हूं इसका, तो क्या हो जाएगा फोर टू का क्यूब प्लस में टू टू का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फोर। ये टू का क्यूब कितना होता है एट, एट मल्टीप्लाई फोर करोगे तो 32 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 8, ये आ गया आपका 14। हम ये क्यों निकाल, हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस b1। आप अपनी कॉपी चेक कर सकते, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे थे, हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय इनिशियल, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। फाइनल फाइनल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फाइनली 40 मीटर, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो, फाइनल टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, और पहला कितना था जीरो, कितना आ गया 20 मीटर। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड पार्ट जो वो मैंने बोला था कि जब लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, डेल एक्स बाई डेल टी को आप लिख सकते हो क्या डी एक्स बाई डी, आपको बताया गया, मतलब वी इंस्टेंटेनियस जो होती है वो होती है डी एक्स बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहां लिख दो डी बाई डी टी कितना 4t³ प्लस में 2t², और ये तो हमने सीखा है, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना सीखा है। कैसे करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, डी बाई डी टी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है 4t³ प्लस में डी बाई डी टी 2t², तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर आप सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 4 जो है वो आगे आ जाएगा डी बाई डी टी टी क्यू प्लस में 2 आगे आ जाएगा डी बाई डी टी टी स्क्वायर। ये तो डिफरेंशिएशन आपको आता है, जितनी पावर उसको आगे फेंक के मारेंगे एक पावर कम कर देंगे, जितनी पावर उसको आगे देख के मारेंगे एक पावर कम कर देंगे, तो फंक्शन क्या करोगे डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा प्लस 2 जितनी पावर है उसमें उसको आगे देख के मारेंगे एक पावर कम कर देंगे, कितना हो गया 12t² प्लस में 4t। दिस इज अ वी इंस्टेंटेनियस। अब वी इंस्टेंटेनियस आ गया तो आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड अगर आपको निकालना है तो टाइम की वैल्यू 1 रख देंगे, 12 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 कितना हो गया 12 + 4 दैट इज 16 m/s। दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो ऐसे आपको सोचना है, ये आपका सेकेंड। उसके बाद हम फिर से बात करेंगे इंस्टेंटेनियस हो गया, अब आगे बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन फॉर इंटरवल।
तो हमारा जो है वो सी पार्ट आ गया। ये आपको मैं ऐसा मान रही थी समझ में, हमने डिफरेंशिएशन इसीलिए करवाया था ताकि ये सारी चीजें आपको सिखा पाए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया कि किसी इंस्टेंट पे आप किसी भी इंस्टेंट पे आप निकाल सकते हो, जीरो पे कितना होगा, वन पे कितना होगा, थ्री पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, किसी भी टाइम पे आप इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी को निकाल सकते हो। तो आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया क्या, 12t² + 4t। अब की बार आपको सी जो निकालना है वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, अब ये भी तो करवाया था, v2/v1/v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल टाइम। अब देखो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रखा है 40² + 4t, 12t² + 4t। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, टाइम है आपके पास 0 to 2 सेकेंड। तो पहले 0 रखते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है, तो v इनिशियल आ जाएगा आपका 12 0² + 4 × 0, दैट इज 0। फिर फाइनल निकालोगे आप तो 2 सेकेंड के ऊपर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 2² + 4 × 3, कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 48 प्लस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, ये क्या आ गया 4, तो कितना आ गया 52 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है। अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, v फाइनल कितना है 52, ये कितना है 0, ये कितना है 2, ये कितना है 0, कितना आ गया 96 मीटर पर सेकंड, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ योर मोशन। अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज बिकम इंस्टेंटेनियस, हम आपको एक बात बताना भूल गए, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आया जो कि आ गया था यहां से लिखते तो डेल वी बाई डेल, आपको हमने ग्राफ से बताया था कि ऐसे कुछ एक्सेलरेशन, यहां पे मैंने मान लिया टी वन है, यहां पे आपका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने के वन, यहां पे टाइम हो गया टी टू, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया। अगर हमें चूज करना है इसी टाइम इंटरवल को, अगर बोले कि डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो हम एक इंस्टेंट के ऊपर एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम यहां से निकाल सकते हैं। मतलब अगर यहां बात करें हम एवरेज एक्सेलरेशन में, अगर हम पुट कर दें लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो हम एक इंस्टेंट पे पहुंचे, हम एक इंस्टेंट पे पहुंच जाएंगे क्या, डेल वी बाई डेल टी, सॉरी डेल, जब आप इस लिमिट को डेल अप्रोचेस टू जीरो कर दोगे तो ये डेल और भी छोटा हो जाएगा, इसको आप लिख पाओगे इन द सेंस ऑफ कैलकुलस डी वी बाई डी। एवरेज जो है, सॉरी एवरेज जो है डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस बन गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन गया, तो यहां पे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या आ गया आपका डीवी बाई डी टी, और वी क्या है, वी इंस्टेंटेनियस, वी क्या है ये आपने वी निकाल लिया। अब यहां रख दो क्या जाएगा डी बाई डी टी बी 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 क्या रखता है मेरा 12t² + 4t। आप इसको लिखना, एक दो बार करके देखना, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन को समझना, और आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्योंकि आपने कभी किए नहीं, नाइन्थ में भी आते हैं, टेंथ में भी आते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल ही नहीं किए,
इसलिए इस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी, फिर हमारी आदत पड़ जाएगी आपको, फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम जो न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवा रहे हैं वो प्लीज आप अपनी कॉपी पे करें, उसको बार बार करके रिवाइज करें, देखें कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है, तो हम आप सीख पाएंगे न्यूमेरिकल को। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी बाई डी टी इक्वल टू सी एयर प्लस। अब आपको ये सोल्व करना तो हम सिखा चुके हैं, डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी फोर टी, सोल्व करेंगे इसको कितना आ गया, ये 12 आगे आ जाएगा, डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस में डी बाई डी टी फोर टी, फोर आगे आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 12 कैसे सोल्व करते हैं, टू टी प्लस में, ये अगर आप सोल्व करोगे तो टी का कितना आ गया 1, कितना आ गया ये 24 t plus 4 ये आ गया 1 सेकेंड में। ये क्वेश्चन को आप घर पे सीखें, इससे आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में।